यहाँ पे आए दिन हर रोज एक चोरी होती है। कल 1 बजे दिन में 1 बजे जो शख्स जा रहे थे माजूर, उसके हाथ में का मोबाइल निकाल लेके गए, माजूर था देखे तो उसका मोबाइल लेकर गए। और एक बच्चा भी यहाँ पे जा रहा था, चाकू लगा के उसको गांजा अफीम जो भी मिलता है वो नशा करके उसका मोबाइल लेकर गए। तो हर बार इसी तरह लोगों का निकाल लेना, मारना, पीटना, कैसा होगा। आज इन्होंने गलती से दरगाह को गए थे, वो भी फंक्शन है बोल के, तो उनके 30 मुर्गियाँ काट के लेकर गए, 2 चावल के थैले लेकर गए, 1 लाख रुपये, 2 तोले सोना, और उन्होंने बीसी चलाते, बीसी का पैसा था वो उन्होंने लेकर गए। और वो बेचारे कर को खाने वालों के पास उनके 2-3 ऑटो जलाए, 1 बाइक जलाए। तो इसी तरह चलते रहे तो पुलिस वालों को कुछ भी असर नहीं हो रहा। आखिर किस बात से भाई, हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, हर बार आपके पास आके हमारी शिकायत दर्ज कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। दरख्वास्त करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बराबर आके यहाँ पे इसकी जायजा लीजिए और आके यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं इसका अस्त नहीं करेंगे आप। कल पूरी पब्लिक को लेके मैं डीसी ऑफिस के सामने बैठूंगी, हमारे पूरी जानकारी करके यहाँ पे हमारा भरपाई होना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मेरा घर यम गुलशन अरफात कॉलोनी में है। कल मैं एक फंक्शन के सिलसिले से थोड़ा बाहर चले गए थे हम, रात में आए तक पूरा हमारा घर चोरी हो गया। सुबह जब आने के बाद यहाँ पे जो है ना महिला वाले बताए कि तुम्हारा घर पे जो है ना पूरा खुला है सामान, आगे अंदर देख रहे तो जो है ना 2 तोले सोना चले गया, 1 लाख रुपये कैश गया और घर में का चावल लेके गए, और जितने भी मुर्गियाँ हैं मेरे घर में के पूरे मुर्गियाँ वो सब काटे। यहाँ पे आए दिन जो है ना गंजोटी चर्चियों का जो है ना यहाँ पे दादागिरी चल रही है। अगर ऐसा ही रहेगा तो यहाँ पे महिला वालों को बहुत तकलीफ है। आज मेरा घर है, कल दूसरे का घर हो जाता है। यहाँ पे कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पे पुलिस की राउंडिंग होना चाहिए। और हर दिन जो है ना यहाँ पे गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले यहाँ पे जो है ना तलवारा बता के, चाकुआ बता के दादागिरी करते हुए डराना धमकाना ये ज़्यादा चले हुआ है। अगर ऐसा ही चलेगा तो क्या होगा ये महिला का। यह हमारी जल्द से जल्द रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आरोपी है इनको जल्द से जल्द पकड़ के जो है ना इनको जो है ना जेल में डालिए, और हमारा जो भरवाई का नुकसान कौन देगा। ये आज मुर्गियों के ऊपर जान चले गई, अगर ऐसा ही अगर ये सिलसिला चलते रहेगा तो कल इंसानों की भी जान चले जाती। ये हमारी डीसी साहब से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई को जो है ना करिए। यह है हमारे एरिया का नाम गुलशत अरफात कॉलोनी। यहाँ पे क्या है मालूम, हमारे मकान के पीछे एक चोरी हो गई वहाँ पे, और बोलते ऑटो जले वहाँ पे, मुर्गियाँ वो लेके गए, चोरी हो गई वहाँ पे लॉक तोड़ के। ये हमारे क्या है मालूम, ये गाड़ी के सीटें वो तो काटी, और बोलते क्या है मालूम टायरों को चाकू से मारी, और बोलते ऊपर ग्लास भी है नहीं, फोड़े सो है, हमारे गेट भी है नहीं, लॉक तोड़ने की कोशिश करे तो क्या है मालूम, यहाँ पे आवारे बच्चे बहुत बढ़ रहे, बहुत फिर रहे, पुलिस की राउंडिंग होना बहुत सख्त ज़रूरत है। क्यों बोलते क्या है मालूम, यहाँ पे बहुत बोलते बहुत ज़्यादा आवारे बच्चों का ये हो गया है, शराब वो पी रिंग कर रहे हो लगा, ये मकाना वो ये चोरी हो रिंग कर रही, डेरे डाल के करके बैठ रहे हैं मैदान में, वो जंगल में वहाँ। आपके घर में कुछ चोरी हुआ क्या? नहीं नहीं, हमारे घर में कुछ भी नहीं चोरी हुआ, बस क्या है मालूम हमारी गाड़ी को और बोलते वो ग्लास को नुकसान पहुँचे सो है, पीछे मकान पे क्या है मालूम चोरी हुई सो है वहाँ पे, वो क्या है मालूम वो खाली घर है एक पीछे बना रहे अभी मकान, वहाँ पे क्या है मालूम ड्रिंक वो कर रहे हैं वहाँ पे हमारे बच्चे आके बैठ के करके, रात के 2-2, 3-3 बजे तक क्या है मालूम हम लोग हमारी नींदा छोड़ के क्या है मालूम ये घर की हिफाजत कर लेते बैठना पड़ रहा हो, हमारे बच्चों को देख लेते कर लेते कुछ तो नुकसान पहुंचा रही क्या उन लोगों बोल के। तो क्या है मालूम रिक्वेस्ट है पुलिस से, क्या है मालूम राउंडिंग पे है नहीं, राउंडिंग पे आना ज़रूरी है पुलिस वाले। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, ये घर में हमारे ऑटो जला लिए, कल चोरी हुई कल घर में, बाजू घर में हमारे, और हमारा भी ऑटो जला दिए, हर एक जने का ऑटो जला दिए, ये
कैसे देता हूँ मैं ऑटो, मेरा घर का खर्चा विर्चा सब ऑटो के किराए पे चलता, मैं माजूर हूँ, मेरे को चलने नहीं आता, तकलीफ है मेरे पाँव में। और अड़ोस पड़ोस में भी चोरियाँ वारदात हुए, गवर्नमेंट से मैं पुलिस से यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये लोगों को पकड़े, इंसाफ करे, और हमारी गाड़ी का क्या, हमारा भी ज़रा गाड़ी का ये करने की कोशिश करे। ज़ईफ़ हूँ मैं, ज़रा पाँव में मेरे तकलीफ है, हैंडीकैप हूँ मैं। हमारे बच्चे की गाड़ी को आज 5-4 बजे टाइम पे गाड़ी लेके जाको, पूरी सत्यानाश कर दे गाड़ी। फिर बच्चों को हमारे मुश्किल कर रहे हैं चलने फिरने को, मोबाइल काट रही, मार रही, ऐसा कर रहे हैं। सब हम परेशान थे, गाड़ी गई फिर ढूंढे ढूंढे फिर स्कूल करने जंगल में मिली, समझो गाड़ी ले गए नवी गाड़ी को, पूरी सत्यानाश करें। ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗುಲ್ಶಾನ್ ಅರ್ಫತ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಿಸ್ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಬಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್, ಬಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಬಡವರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿ ಹಣನ 1 ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಬಳಸುವಂಥ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೇಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪಾರ್ಥಿಗಳ ಗ್ಯಾಂಗು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರೂಕ್ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನೆ ಮುಂದಿದ್ದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಖಾಜಾ ಪಾಷಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯೂ ಸಹ, ಅವ್ರ ಮುಂದಿದ್ದ ಬೈಕನ್ನು ಸಹ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜಾವೇದ್ ಅನ್ನೋರ ಮನೆ ಮುಂದಿರೋ ಆಟೋನೂ ಸಹ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಶಾ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಥಿ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಚಾವಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೋಡಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಚಾಳಿ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಧಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಧಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಲ್ಗಾರ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನಾಂಗ ಮಾಡೋ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾವ ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹಳೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ಅವರಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆದವರು ಮತ್ತು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ
ಮತ್ತು ನೊಂದಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿನೂ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ 112ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ 112 ಅಂತ ಡೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೀದಾ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು